हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एसपी सर, क्लास फोर्थ एसएसटी, चैप्टर नंबर सेकंड के अगले वीडियो के साथ पेज नंबर 11 लेकर के सामने आ रहे हैं। अपनी अपनी बुक आप लोग ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 11 के सबसे ऊपर, जहां मैंने अगले वीडियो में बोला था कि एक लाइन हमने यहाँ पे ये रीडिंग किया था, तो यहाँ से नीचे हम लोग आते हैं। देयर इज ए स्नोफॉल इन विंटर विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे इतना स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जब स्नोफॉल हो रहता है तो उस समय ये टूरिस्ट का, जो सैलानी होते हैं, जो बाहर से दूर दूर से लोग जाते हैं देखने, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का लुकअप देखने जाते हैं, तो उनको काफ़ी ये स्नोफॉल काफ़ी अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द लेसर हिमालयस। ये श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये वो फेमस नाम है जहाँ पे सैलानी घूमने जाते हैं, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाते हैं, जो बहुत ही मनभावनता है, मन को लुभाता है। और यहाँ पे कोई भी जाता है तो बिल्कुल ही स्मूथनेस, बिल्कुल ही सॉफ्ट, अपने आप को बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पर, इन स्थानों पर। तो ये बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, पर्वत की स्टेशन है, जो हिमालय के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर द फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये वो स्थान है जो तीर्थ स्थानों में माना जाता है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने, बाबा का जो है ध्यान करने यहाँ पे जाते हैं। और ये भी हिमालय के टुलाई इन द लेसर हिमालय, ये ऊंचाई चोटी जो हिमालय का है उससे कुछ नीचे स्थित है। ये आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ, जहाँ पे लोग जैसे माता पिता या दादा दादी यहाँ पे दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी पृष्ठ पर। तो ये नंबर थर्ड है, शिवालिक रेंज आउटर हिमालय। ये शिवालिक रेंज है जो हिमालय से थोड़ा आउटर है, थोड़ी दूरी पर है। तो इसको रीडिंग करते हैं, दिस इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। यह हिमालय का लोवेस्ट रेंज है, कम ऊंचाई वाला जो है रेंज है, ये भाग है। दिस रीजन गेट्स मोर रेन एंड द वीदर इज कंपैरेटिव। ये ऐसा रीजन है जहाँ पे मोर रेन, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो मौसम होता है वो काफ़ी पानी बरसने जैसा होता है। लैंड विथ कंपरेटिव के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके नीचे हैं, ठीक है, कंपरेटिव वार्मर। यहाँ पे जो मौसम होता है थोड़ा सा यहाँ की तुलना में क्या होता है, गर्म होता है। और सॉयल स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड आर होम आप मेनी वाइल्ड एनिमल। और यहाँ पर जो मिट्टी का ढलाव होता है, कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, ये जंगलों से कवर्ड रहता है,
आर द होम ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल, और यहाँ पे जंगली जानवर अपना घर बना करके रहते हैं। शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयस इज एन अर्थक्वेक प्रोन जोन, और ये शिवालिक जो रेंज है हिमालय का, यहाँ पे भूकंप की प्रवृत्ति जो होती है ये यहाँ पे ज़्यादा होती है। यहाँ पे भूकंप जोन है, भूकंप का क्षेत्र है, यहाँ से भूकंप यहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं भूकंप आने की। नीचे आते हैं, टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज, यहाँ से साउथ ऑफ शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज के साउथ में हम क्या देखते हैं, लाइज द तराई रीजन, यहाँ पे तराई क्षेत्र स्थित है। मोस्ट पार्ट ऑफ इट लाइज इन उत्तराखंड, और तराई क्षेत्र का मुख्य जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में स्थित है। अर्लियर यानी पहले क्या था, अर्लियर इट वाज मर्सी, अर्लियर मानी पहले के समय में, बहुत पहले इट वाज मार्सी, यह बहुत ही यहाँ की मिट्टी मार्सी हुआ करती थी, यानी धसाऊ हुआ करती थी, बहुत ही जैसे मिट्टियाँ कहीं पे गीली रहती हैं तो पैर रखने पर वहाँ पे आप अंदर जो है पैर चला जाता है मिट्टी में, तो ऐसी धसाऊ हुआ करती थी, धसाऊ हुआ करती थी, ठीक है। और नीचे आते हैं, जहाँ से पढ़ते हैं, धसाऊ हुआ करती हैं, लैंड विथ अनहेल्थी क्लाइमेट ड्यू टू हीट एंड ह्यूमिडिटी, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मानसून है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ठीक नहीं है, और हीट है यहाँ पे काफ़ी गर्म है थोड़ा यहाँ अदर की अपेक्षा, और यहाँ की आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है वो भी ठीक नहीं है। इट वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ये एरिया जो ये क्षेत्र है कम्प्लीटली पूर्ण रूप से फॉरेस्ट से ढका हुआ है, बट नाउ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड मैनी पीपुल हैव सेटल्ड हियर, लेकिन इस समय क्या है, बट नाउ, लेकिन इस समय वहाँ का जो जंगली क्षेत्र था, जो पेड़ पौधे थे वो साफ कर दिए गए हैं, यानी जंगल विभाग के द्वारा उसको काट दिया गया है, और यहाँ पे पीपल सेटल्ड रह रहे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग जा कर के रहने का स्थान बना रहे हैं। दे ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड, ETC, और मनुष्य वहाँ पे जब सेटल हो गए हैं, वहाँ पे घर बना लिए हैं रहने के लिए, तो जब घर बना लिए हैं तो उनको खाने पीने की भी चीज़ों को चाहिए, तो वो वहाँ की जो उपजाऊ ज़मीनें हैं तो वहाँ पे व्हीट, राइस, शुगर केन और ऑयल सीड का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं वहाँ पे जो मनुष्य रहते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, उसी पेज में, पेज नंबर 11 में ही पढ़ रहे हैं, जो एलिफेंट है, जिम कॉर्बेट है जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं पर हैं हम। द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज केस्ट सॉयल एरिजन, करें जब फॉरेस्ट का सफाया हो गया, फॉरेस्ट साफ हो गया, कटाव कट गया, तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाउ ट्री आर द अगेन बीइंग प्लांटेड देयर टू कंजर्व द सॉयल, लेकिन जब ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे जब फॉरेस्ट कट गया तो मिट्टी का कटाव अधिक होने लगा, तो अब क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लांटेड किया जा रहा है, पौधों का रोपण किया जा रहा है, पौधा लगाया जा रहा है, जैसे अभी अभी हम लोगों के गांव में भी पौध रोपण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर किया गया, तो ऐसे भी वहां भी पौधरोपण का कार्य हुआ, जिससे कि वहां की मिट्टी सुरक्षित रहे, कटाव न होने पाए। आगे बढ़ते हैं, द लोअर रेंज ऑफ हिमालयस एंड द तराई रीजन है मेनी वाइल्ड एनिमल सच एज एलिफेंट, टाइगर, क्रोकोडाइल और राइनोसीरोस, लिपोर्ड, चीता, बियर, ETC, और वहाँ से बता रहे हैं कि द लोअर रेंज में जो हिमालय के तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है, जंगली जानवर बहुत जंगली जानवर होते हैं, जैसे हाथी, जैसे
हाथी, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये जानवर आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, और राइनोसेरोस, लियोपार्ड, चीता, बियर्स, ये जानवर वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इन द हायर रेंज, और जो हायर रेंज है जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं, यू कैन आल्सो फाइंड स्नो लियोपार्ड एंड अल्पाइन बियर्स। जो हायर रेंज है वहाँ पे क्या आप मिलते हैं, वहाँ पे स्नो लियोपार्ड, जो बर्फ़ में लियोपार्ड घूमते टहलते हैं रहते हैं वो मिलते हैं, और अल्पाइन बियर वहाँ पे वो बियर मिलते हैं। ठीक है, और नीचे बढ़ते हैं, द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन द तराई रीजन नियर नैनीताल। नैनीताल के पास तराई क्षेत्र में ही कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस हंटर जिम कॉर्बेट। इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। यू कैन सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स हियर। यहाँ पे आप अनेक प्रकार के, अनेक जातियों के जो है एनिमल्स देखने को आपको मिलेगा इस पार्क में। ठीक है, तो ये था। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर चलते हैं। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, हिमालय कैन बी क्रॉस्ड बाई लैंड रूट थ्रू सम पासेस। हिमालय कैन बी क्रॉस्ड बाई लैंड, अगर हिमालय से आप लैंड की तरफ क्रॉस करते हैं तो कुछ जाने के लिए आपको रास्ते मिलते हैं। अ पास इज नैरो वे थ्रू अ माउंटेन। माउंटेन के बगल में ही एक नैरो रास्ता आपको मिलता है जाने के लिए, जो लैंड तक आपको ले जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस आर नर्थुला, जो कुछ मुख्य आपके पासेस हैं, रास्ते हैं जाने के, वो कौन से यहाँ पे जानते हैं, वो हैं आपके नथुला जो सिक्किम में पड़ता है, और बोमडिला है जो अरुणाचल प्रदेश में ये मार्ग मिलता है, एंड सिप किला इन हिमाचल प्रदेश में। ये सिप किला नाम का जो नैरो वे है ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, और नीचे आते हैं, ये आगे ये है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय पर्वत जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या महत्व है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हिमालय पर्वत है तो हमारे लिए क्या लाभप्रद है, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। हिमालय आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज, हिमालय जो है वो इस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है, ये नीचे दिया गया है। नंबर वन पे आते हैं, दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक प्राकृतिक दीवार के रूप में हमारे देश का प्रोटेक्ट करता है, ये एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। नंबर सेकंड, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंस है हिमालय का, वो कोल्ड साइबेरियन से जो बहुत ही ठंडी हवाएं और चलती हैं जो नॉर्थ एरिया से आती हैं, उस हवाओं से हमारी रक्षा करता है। सॉरी, नीचे आते हैं, अगला है, दे आर द सोर्स ऑफ सेवरल बिग, नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, और ये बहुत ही सेवरल बिग सोर्स है, किसका सोर्स है हम थोड़ा सा देखते हैं, रिवर्स विच प्रोवाइड अस वाटर फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक जॉब्स। और ये दे आर द सोर्स, ये बहुत ही बड़ा स्रोत है हमारा माउंटेन, जहाँ से कई बड़ी बड़ी नदियाँ, कई महान नदियाँ जो है अपनी धाराओं में बहती हैं, और नीचे आकर के वाटर इरिगेशन हमारे लिए हमारी ज़मीन को सिंचाई करने का साधन उपलब्ध कराती हैं, और डोमेस्टिक सोर्स और हमारे घरेलू कामकाज में भी इनके पानी का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिवर आर आल्सो ब्रिंग फर्टाइल सॉयल एंड डिपॉजिट इन द प्लेन्स। जो सॉयल है, जो मिट्टियाँ ऊपर से बह के आती हैं, ये उपजाऊ मिट्टी को हमारे प्लेन एरिया में ला कर के इकट्ठा कर देता है, जिससे यहाँ की ज़मीनें भी अधिक उपजाऊ हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है द हेल्प इन कैचिंग रेन इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और इस हिमालय की सहायता से वहाँ पे मानसून क्रिएट होता है, जिससे हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में वर्षा होती है। नीचे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला है, द फॉरेस्ट ऑन इट गिव शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल, दे प्रोवाइड अस यूजफुल टिम्बर, मेडिकल हर्ब एंड मैनी अदर यूजफुल मटेरियल्स। जो ये हमारा हिमालय का फॉरेस्ट है, ये जंगली जानवरों को रहने का स्थान, घर देता है, शेल्टर प्रदान करता है, शरण प्रदान करता है, जिससे जंगली जानवर कहीं दूर दराज क्षेत्र में भटकते नहीं हैं और वो इसी शेल्टर में रहते हैं। और दे प्रोवाइड अस यूजफुल टिम्बर, और जो जंगल है, जो हिमालय का क्षेत्र है, ये हमें यूजफुल कई महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करता है, जिसमें टिम्बर लकड़ी प्रदान करता है, मेडिकल हर्ब्स मेडिकल जड़ी बूटी प्रदान करता है, दवाइयाँ प्रदान करता है, एंड मेनी अदर यूजफुल मटेरियल्स, और कुछ अधिक से अधिक यूजफुल उपयोगी मटेरियल्स को हमारे लिए जो है उपलब्ध कराता है। ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, जिससे हमें कई लाभ मिलते हैं, हमारे देश को कई लाभ मिलते हैं, ये जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों ने ये पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं यश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ, थैंक यू।